मेरी अप्पू, चल जग जा लल्ली। तूने मेरा नाम अपेक्षा क्यों रखा? मतलब? अरे ऐसे है ना, तो अटेंडेंस में सबसे पहले मेरा ही नाम आ जाता है। तो नाम बदल ले, चंडू बम रख ले। बच्चों, दसवीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहा है? दसवीं को मैथ्स यही पढ़ाता है। रांझना की बात करें या फिर तनु वेड्स मनु की, या फिर अगर हम बात करें तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की, तो इन तीनों फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लेकिन इसके अलावा भी इनमें जो एक चीज और कॉमन है वो है फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय। पर अब डायरेक्टर आनंद अपनी अगली मूवी में एज अ डायरेक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर दिखेंगे और वो फिल्म है नील बटे सन्नाटा। जी हाँ, अश्विनी अय्यर तिवारी डायरेक्टेड ये मूवी, जिसमें आपको बनारस की गलियों में दौड़ती रांझना की बिंदिया यानी स्वरा भास्कर लीड रोल में दिखेगी 22 अप्रैल को बड़े पर्दे पर उतरेगी। क्या कर लेगी, क्योंकि सही में उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने की मेरी औकात है तो नहीं। इंसान दो चीजों से बनता है, या तो किस्मत या मेहनत। और गरीब के पास किस्मत होती तो वे गरीब थोड़े ही होता। तो बची मेहनत, वही करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में नील बटे सन्नाटा की स्टार कास्ट पहुंची नवाबों के शहर लखनऊ, जहां फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद एल राय, डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और रिया शुक्ला मौजूद रहे, जहां उन्होंने फिल्म और उससे जुड़े अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया। बहुत प्यारी कहानी है और बहुत टाइम से एक माँ और बेटी की कहानी हम लोगों ने नहीं देखी थी, और अश्विनी ने बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है इस कहानी को। स्वरा ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, और रिया जो ये रोल प्ले कर रही हैं बच्ची का, बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगी कि इस तरह की कहानियाँ आनी ज़रूरी हैं, ऑडियंस तक पहुँचनी ज़रूरी हैं। हमारी ऑडियंस तैयार हैं अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने के लिए, और उन्होंने हमेशा हम पे विश्वास दिखाया है, एंड उसी विश्वास को आगे लेते जाते हुए हमें लगा ये कहानियाँ भी उन तक पहुँचानी चाहिए। asking her कि आप अपने देश को क्या बोलना चाहेंगे। 30 सेकंड और इतना कुछ कर सकता है एडवर्टाइजिंग में, तो I was very greedy to tell bigger stories on a bigger screen। वहीं जब हमने आनंद से यूपी में मूवी को टैक्स फ्री होने की बात पूछी, तो आनंद ने इसकी उम्मीद जताते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमें और दर्शकों का प्यार मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगा मैं उन तक पहुँचूँ और ये बात करूँ, और मोर देन टैक्स फ्री मुझे उनको ये बता के बड़ी खुशी होगी कि इस तरह की कहानियाँ हम लोग बना रहे हैं। और जैसा मेरा मानना है कि जितना ये एंटरटेन करेगी, जितना ये इन्जॉय कराएगी ऑडियंस को, उतना ही कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अगर एक या दो लोगों से इस पे फ़र्क पड़ जाए, इस कहानी से, इस कहानी को देख के कुछ उनके जीवन में बदलाव आ जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और शायद वो एक टैक्स फ्री चीज़ उस चीज़ की उम्मीदें बढ़ा देती हैं कि ज़्यादा लोग देख पाएंगे। और जैसे मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि टिकट्स के रेट हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से मुझे मेरी ऑडियंस कम मिल रही है, तो अगर ये टैक्स फ्री हो जाते हैं तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे, उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं। छोटा बम बड़ा धमाका बनकर सामने आई है लखनऊ की रिया शुक्ला, तो आइए बिना देर किए आपको इनसे मिलवा ही देते हैं। इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने, और बहुत ही मुश्तियाँ हुई हैं, और लगा ही नहीं कि मतलब शूटिंग में बिजी हैं इतने ज़्यादा। बहुत ही मज़ा आया, और रोने वोने में भी बहुत मज़े आए। वैसे भी घर में बहुत सारी नौटंकियाँ होती हैं, तो मम्मा ने खूब इंजॉय किया इसका ट्रेलर देख के कि मेरी बेटी तो स्टार बन गई, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बातें तो रिया बहुत करती हैं, पर रिया से जब हमने सेट पर उनकी शरारतों के बारे में पूछा तो वो सब शरारतें भी रिया ने अपने चुलबुले अंदाज में हमें बता डाली। पोल खोल रही हैं आप सारी हमारी। वैसे बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ हुई हैं, काफ़ी बार तो ऐसा किया है कि सोते हुए लोगों को जगा दिया है। रात भर अगर शूटिंग होती थी तो अगर हम खुद नहीं सो पाते थे तो हम किसी को भी नहीं सोने देते थे। सो ऐसा ही कुछ था कि अगर कोई सो रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था हमें कि वो भी जगे फिर हमारे साथ, क्योंकि अगर हम शूटिंग में बिजी हैं तो ऑफकोर्स यार सभी जगो। सो बहुत सारी शरारतें हैं, मैम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, खास करके डायरेक्टर मैम हमारी। सो उन्होंने बोला रिया थोड़ा कंट्रोल कर ले बेटा, मूवी पूरी हो जाने दे, फिर जितनी शरारत करनी है करना।
फिल्म के ट्रेलर और दमदार कहानी से लोगों को इस फिल्म का तो बेसब्री से इंतजार है ही, साथ ही लखनऊ की बेटी रिया को बड़े पर्दे पर देखने के लिए भी यूपी के लोग पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें ये फिल्म 22 अप्रैल को देश भर में रिलीज होगी।